सुना है मार्केट में देवरा का नया ट्रेलर आया है, पता नहीं क्यों आया है। 5 दिन बचे हैं मूवी को, हाइप अप करने के लिए आया है। क्या ऑडियंस हाइप अप होती है, आज इसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ी बहुत स्टोरी को भी जान लेंगे कि क्या होने वाली है, बेसिक स्टोरी लाइन। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुरुआत की सिनेरियो से हमें पता चल जाता है कि देवरा को आ रहे हैं बुरे सपने के वो एक टापू पे मौत का खेल कर रहा है, खून खून हो गया पूरा समुद्र उसकी वजह से, क्योंकि उसने इतने लोग मारे हैं। क्यों मारे हैं, कैसे मारे हैं, वो सब पता चल जाएगा तुम्हें स्टोरी के अंदर, जो कि बस 5 दिन बाद सिनेमा में लगेगी। पर्सनली कैसी होने वाली मूवी है, मुझे पर्सनली पुष्पा की वाइब दे गई, बस अंडर वाटर सीन नहीं बचा रखा है और ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ नया होगा या कुछ अच्छा होगा। एक एक डायलॉग से जानवी जी का सुनो आप, ऐसा लगेगा कि होट यहाँ ले बात यहाँ हो रही है, मतलब नो सिंक एट ऑल वो वाला सीन। पता था मुझको जब से आप इतने से थे। और सैफ अली खान के भी डायलॉग्स में दिखाए गए हैं, बहुत चालाक से एडिटर ने कट कर दिया है, जिस टाइम वो बोल रहा है उस टाइम उसके लिप्स ही नहीं है, मतलब दूसरा डायलॉग सुनाया जा रहा है जब वो बोल रहा है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सैफ अली खान विलन कुछ याद आ रहा है मुझे ऐसा, कि कुछ पिटा था वापस से ना हुआ ऐसा कुछ, और वो भी टी सीरीज ही प्रोड्यूस करी थी, मतलब टी सीरीज का सैफ अली खान के साथ कोलैब ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। देखो विक्रम वेदा भी इतनी खास चली नहीं, ठीक है, और ये इनका भी सही चल रहा है, क्या बुरा है सैफ भाई आपके साथ। तो मूवी जान है इसके अंडर वाटर सीक्वेंसेज, नो डाउट वो बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो शार्क वाला सीन है वो अच्छा दिखता है, और भी कुछ सीन है जैसे कि देवरा को स्टेब्लिश करने वाला शॉट, लॉन्ग कम बैक करता है जब वो अपना पानी के अंदर हथियार के साथ जादू बना बैठा है गोरे का सूट पहन के वो सीन, और भी कुछ सीन लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि दोनों देवरा और उसका बेटा आमने सामने आ जाते हैं, बट देवरा के लिए बहुत ज़्यादा हुई नहीं है अपने बेटे से, जो कि बहुत स्पेक्टिकल हो जाती थी, क्या पता वो भाई हैं दोनों ही भाई हों और उनका जो बाप था वो था देवरा, ऐसा हो सकता है मे बी, बट गॉड नोस क्या सोचा है डायरेक्टर ने और क्या स्टोरी लिखी गई है। बट हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं हूँ इस ट्रेलर को लेकर या इस मूवी को लेकर भी अभी तक। हाँ अगर मूवी चल गई तो तुम्हें पता ही है चांद तक जाएगी, बट नहीं चली तो मेरे हिसाब से 300-400 करोड़ का बिजनेस करके इट्स गोना बी गुड एवरेज मूवी, जो कि तुम एक बार देखोगे फिर गाओगे क्यों बनी थी। बट हाँ कुछ जो सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे लगेंगे तुम्हें, जैसे कि अंडरग्राउंड शार्क वाला सीक्वेंस वो अच्छा है। तो आज की बातचीत को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी रहना, सुरस्त रहना, और पानी में मत कूदना नहीं तो शार्क आएगी और तुम्हारे साथ खेल खेल के जाएगी। बाय बाय।